ने क्लाइमेटोलॉजी के डोमेन से एटमॉस्फेरिक डिस्टरबेंसेस में हमने टॉर्नेडोज कवर कर लिए थे एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कवर कर लिए थे। तो आज के लेक्चर में हमने जो टॉपिक कवर करने हैं दैट इज एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, जो कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, या जिसको हम लोग जीएस में जब पढ़ते थे तो वाटर इन द एटमॉस्फेयर हम लोग पढ़ते थे, या वाटर इन द एयर के फॉर्मेट में पढ़ते थे। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, आपके सविंदर सिंह में भी एक्सप्लिसिटली मैंशनड है और डिटेलिंग में दिया हुआ है। तो क्विकली इसको देख लेंगे, बहुत हैवी नहीं है कॉन्सेप्चुअली, लेकिन हमने देखना है कि इससे 5 नंबर का या अगर 20 नंबर का सवाल आ भी जाता है तो हमने इसकी रेंज को कैसे बढ़ाना है, या ऑप्शनल लेवल का इसमें टच कैसे देना है, कैसे एग्जाम्पल्स पुट करने हैं। देखो, ज्योग्राफी में एक चीज में बहुत मार्क्स मिलते हैं, इस चीज का हमेशा याद रखना कि जितना तुम एग्जाम्पल कोट करोगे और वो एग्जाम्पल रियल लाइफ से को रिलेटेड होंगे ताकि आपकी एप्लीकेशन ऑफ ज्योग्राफिकल नॉलेज दिखे, तो आपको एग्जामिनर काफी अच्छे मार्क्स देता है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि जितना अच्छा ये आपका ज्योग्राफिकल नॉलेज दिखेगा उतना ज्यादा मार्क्स मिलने की संभावनाएं भी होंगी। ऑलराइट, तो जब हम एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को देखते हैं या वाटर इन द एटमॉस्फेयर को पढ़ते भी हैं तो उसमें कुछ एक चीजें हैं कि हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इवोपरेशन, जैसे हम इस लेक्चर की सीक्वेंस क्या होगी कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो पानी जाएगा वो इवोपरेशन के द्वारा जाएगा। तो इवोपरेशन एज अ टॉपिक हमने देखना है 5 नंबर के लायक, 20 नंबर का इसमें सवाल आने की संभावना है, कम है इवोपरेशन से। तो 5 नंबर के लायक देखेंगे इवोपरेशन में क्या लिखा जा सकता है या क्या होता है एज अ इवोपरेशन एज अ कॉन्सेप्ट, और वर्ल्ड लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इवोपरेशन किन बातों पे निर्भर करेगा, कौन से वो फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करेंगे। और यहाँ पे हम इसको पर्सनलाइज एग्जाम्पल के द्वारा याद रखेंगे, और जो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आप इसमें और ऐड कर सकते हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेसिस पे। ऑलराइट, तो फिर आपने मेरे कंटेंट को जो है अपना बनाने की कोशिश करनी है। तो इवोपरेशन को देखेंगे, फिर इवोपरेशन होगी तो ह्यूमिडिटी एयर की बढ़ जाएगी। तो ह्यूमिडिटी एज एन कॉन्सेप्ट, और 3 प्रकार की ह्यूमिडिटी आप लोगों ने पढ़ी ही है, एब्सोल्यूट, स्पेसिफिक एंड रिलेटिव, इन तीनों को देखेंगे। और इसमें भी ऑप्शनल लेवल के ग्राफ्स, डायग्राम्स और साथ में एग्जाम्पल, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि एग्जाम्पल के बिना बात नहीं बनेगी। थर्ड लेवल पे देखेंगे हम कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन के अंदर की अगर ह्यूमिडिटी है तो कभी ना कभी वाटर कंडेंस भी होगा, तो कंडेंसेशन की कई सारी फॉर्म होती है, जैसे फॉग है, स्मॉग है, मिस्ट है, क्लाउड है, ड्यू है एंड फ्रॉस्ट है। तो ये सारी ही फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि 5 या 20 नंबर के सवाल लायक पढ़ना है। उसके बाद फिर इसी के साथ कनेक्टेड टॉपिक है जो कल की क्लास में हम करेंगे, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जिसमें टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, और फिर उसके बाद वर्ल्ड पैटर्न ऑफ रेनफॉल, इसी के साथ जो टॉपिक मैंने अभी तक आपको छुड़वाया हुआ था थंडरस्टॉर्म, ये यहीं पे ही कवर करेंगे। और अगर कोशिश हो पाई, पॉसिबल हो पाए, तो कूपन की क्लासिफिकेशन इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल है, ज्यादा पढ़ाने लायक कुछ नहीं है, बहुत जल्दी कवर हो जाता है क्योंकि आपने क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन पढ़ा हुआ है। तो एक बार क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन को ही मैं रिपीट करते हुए कोपन्स के साथ लिंक करूंगा, फिर इसमें हम एग्जाम्पल क्या करेंगे इंडिया के डाल लेंगे, सो डैट यू कुड गेट अ बेटर पिक्चर कि अगर इंडिया में इसको इम्प्लीमेंट करें तो क्या होगा। आपने केस स्टडी के फॉर्मेट में हिमाचल में इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाना है जब हम इंडियन ज्योग्राफी करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर सवाल भी आए हुए हैं। ऑलराइट, तो इस तरह से हम कोपन क्लासिफिकेशन करेंगे। फिर लास्ट में कुछ मिसलेनियस टॉपिक मैंने कराने हैं जो इसमें कवर नहीं है या सिलेबस में मेंशन नहीं है एक्सप्लिसिटली। एक है, मैंने बताया भी था, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी, ये एक टॉपिक मैं करवाऊंगा। और साथ में इसी के साथ एक टेम्परेचर इन्वर्जन टॉपिक है जो बहुत लाइट लेवल पे हम प्रीलिम्स में जीएस में कवर किया था, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में करेंगे टेम्परेचर इन्वर्जन। ये एक टॉपिक, ये दो टॉपिक मैं मिसलेनियस कराऊंगा। थर्ड होगा अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी, जो इसमें दे नहीं रखा, लेकिन एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, क्योंकि हमने पढ़ना है तो उसके साथ कोरिलेट होता है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, स्मॉग, ओजोन डिप्लीशन, और ये वाले जो सारे एस्पेक्ट हैं, पॉल्यूशन उसमें से एक है, इन सब के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे ताकि हमारा एनवायरनमेंट ज्योग्राफी भी कवर हो जाए क्लाइमेटोलॉजी के साथ। फिर जब हम ओशनोग्राफी करेंगे, मैंने पहले भी बताया था, वहां पर भी एनवायरनमेंट ज्योग्राफी कवर होता है क्योंकि हम ओशन पॉल्यूशन, ओशन एसिडिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो ये दो प्रकार के एरियाज हैं जहाँ ओशन जो है धीरे धीरे पॉल्यूट हो रहे हैं हमारे, या ग्लोबल वार्मिंग का ओशंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वो ओशन एसिडिफिकेशन के अंदर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने क्लाइमेट और ओशनोग्राफी के साथ कनेक्ट करना है हमारे एनवायरनमेंट ज्योग्राफी को। डिफॉरेस्टेशन भी वहीं पे कवर होता है। ऐसे ही जब हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो हम लैंड डिग्रेडेशन करते हैं, लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है सॉइल डिग्रेडेशन, और सॉइल भी वहीं पे ही पढ़ेंगे। तो सॉइल डिग्रेड होगी तो बेसिकली डिफॉरेस्टेशन इज वन ऑफ इट्स काइंड, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो एनवायरमेंटल ज्योग्राफी को हम डिराइव्ड मानते हैं फिजिकल ज्योग्राफी से, तो कनेक्शन के फॉर्मेट में पढ़ेंगे क्योंकि ऑप्शनल की रिक्वायरमेंट कुछ इस प्रकार से।
ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसे मैंने ये डायग्राम आपको खुद बनाना होगा, क्योंकि अगर मैं इसको आपके नोट्स के अंदर डालूंगा तो इट विल गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ स्पेस। तो आपने लिख लेना है इवोपरेशन होगी तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, ह्यूमिडिटी होगी तो कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होगा तो प्रेसिपिटेशन होगा। ये कनेक्टिंग इवेंट्स है, एक इवेंट दूसरे इवेंट में कैस्केड होगा। ऑलराइट, इवोपरेशन को जानते हैं। देखिए इवोपरेशन की सिंपल सी परिभाषा है, अगर इवोपरेशन की हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो वाटर का इट इज अ प्रोसेस, इसमें क्या है, लिक्विड चीज गैसियस में कन्वर्ट हो जाती है और इस कन्वर्जन के प्रोसेस को इवोपरेशन बोला जाता है। इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और जब ये एनर्जी मिल जाती है तो यही एनर्जी कन्वर्ट होकर जाती है साथ में, जिसको बाद में बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ इवोपरेशन। मीन्स एग्जाम्पल के तौर पर ये एक लिक्विड वाटर है और इस वाटर को कन्वर्ट होकर गैस में जाना है तो बेसिकली इसके वॉल्यूम में एक्सपेंशन आएगा, तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा स्पेसेस में स्कैटर्ड होंगे। तो इस प्रोसेस को होने में, इसके वॉल्यूम को एक्सपेंड करने में कुछ एनर्जी लगेगी। ये जो एनर्जी लगेगी, इस एनर्जी की वजह से, इस वाटर का इस गैस में कन्वर्ट होने की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर डिप हो जाता है और ये एनर्जी सारी यहाँ ट्रांसफर हो जाती है, जिसको बोला जाता है बाद में लेटेंट हीट ऑफ इवोपरेशन। इस चीज को याद रखिए, ये एज अ कॉन्सेप्ट है। इसके एग्जाम्पल मैंने पहले भी बताए थे, जैसे एक मिट्टी के घड़े से जब पानी इवोपरेट होता है तो वो अपनी फॉर्म को चेंज करता है, कि जो वाटर है उसने हीट को लेके गैस में कन्वर्ट होके चला गया और क्योंकि वो हीट को साथ में ले गया, जो मिट्टी के घड़े में बचा हुआ पानी है वो रिलेटिवली ठंडा हो जाता है क्योंकि उसने हीट को लूज किया है। उसकी वजह से ये जो एनर्जी यहाँ से यहाँ कन्वर्ट हुई है, लेटेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई है। अब आप इसको नाप नहीं सकते थर्मामीटर से, ये सेंसिबल हीट नहीं है। मैंने बताया था दो प्रकार की हीट या एनर्जी होती है, एक है सेंसिबल हीट, दूसरी है लेटेंट। सेंसिबल मीन्स जिसको आप सेंस कर सकते हो, अपने स्किन के साथ सेंस कर सकते हो, बेसिकली हाथ लगा के सेंस कर सकते हो, थर्मामीटर से सेंस कर सकते हो। दूसरा प्रकार है जिसको आप रेगुलर थर्मामीटर से सेंस नहीं कर सकते, उनको बोला जाता है लेटेंट हीट। उनको अन्य तरीकों से डिराइव किया जाता है, इक्वेशंस के द्वारा डिराइव किया जाता है। ऐसी हीट को बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ इवोपरेशन, अगर उसने पानी को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट किया। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है इवोपरेशन का। अब इस इवोपरेशन के प्रोसेस को करने के लिए कई सारे फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे एक बड़ा सिंपल फैक्टर है, मैं आपको डे टू डे लाइफ के एग्जांपल बताऊंगा और फैक्टर्स को दिखाते जाऊंगा। जैसे डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हैं, मुख्य तौर पर चार हैं, आगे हम छह फैक्टर पे भी जाएंगे। सबसे पहले टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि इवोपरेशन होगी या नहीं होगी। कहने का मतलब एयर टेम्परेचर के ऊपर। एयर टेम्परेचर का क्या मतलब है कि अगर एयर का टेम्परेचर ज्यादा है, सिंपल फंडा क्या है कि एयर का अगर टेम्परेचर ज्यादा है उसकी इवोपरेशन करने की क्षमता ज्यादा होगी। बेसिकली विद द, आप लिख सकते हो, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द कैपेसिटी ऑफ एयर टू होल्ड वाटर और मॉइस्चर इंक्रीजेस। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द कैपेसिटी ऑफ एयर टू होल्ड वाटर और मॉइस्चर इंक्रीजेस। तो इवोपरेशन, ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ज्यादा इवोपरेशन होने की संभावना है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि गर्मियों के टाइम पे आप देखोगे कपड़े जल्दी सूखते हैं एज कम्पेयर टू विंटर्स। तो क्यों? क्योंकि उस टाइम पे एयर टेम्परेचर ज्यादा है। तो आप क्या लिखोगे, जब भी आप टेम्परेचर का उदाहरण दोगे, आप इस उदाहरण को बोलोगे दो तरीके से। देखो, अब एक चीज का याद रखना है, अब कोई भी एग्जाम्पल कोट करना है, एग्जाम्पल चार डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। इन सारे ही जो आज टॉपिक हम कवर करेंगे ये थ्योरेटिकल है, अगर इसमें आप पर्सनलाइज्ड एग्जाम्पल नहीं डालोगे तो एग्जामिनर को आपके ज्योग्राफिकल नॉलेज दिखाने का आपको मौका नहीं मिलेगा। आप सिंपल एक परिभाषा लिखोगे जो सारे बच्चों ने लिखी है तो आपको बहुत अधिक उनसे ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपने क्या करना है, पहले तो आपने सीजनल वेरिएशन के बारे में बातें करनी है। ये चीज को लिख लो, सीजनल वेरिएशन, ये हर टॉपिक के लिए ट्रू है। कौन कौन से टॉपिक के लिए ट्रू है, जो अभी मैंने बताया, इवोपरेशन के लिए भी सीजनल वेरिएशन का एग्जांपल दो, ह्यूमिडिटी के लिए भी, कंडेंसेशन के लिए भी। तो ये सारे के लिए ही ट्रू है। एग्जांपल किन डायरेक्शन में कोट करना है, सीजनल वेरिएशन के ऊपर। तो सीजनल वेरिएशन में आप बताओगे, जैसे मैंने इवोपरेशन का एग्जांपल लिया कि गर्मियों और सर्दियों का एग्जांपल दो कि कैसे टेम्परेचर के साथ इवोपरेशन चेंज हो जाता है। दूसरा एग्जांपल दो लैटिट्यूड का, कि आपको पता है कि बेसिकली टेम्परेचर लैटिट्यूडनली भी चेंज होता है, तो जो इवोपरेशन है वो ऑब्वियसली ट्रॉपिक्स में ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वहां टेम्परेचर ज्यादा होता है, एयर का गर्मी ज्यादा है, तो इवोपरेशन आप देखोगे ट्रॉपिक्स का फिनोमिना है। इसलिए तो हम कन्वेक्शन करंट्स को भी देखते थे, क्योंकि वो ज्यादा ऊंचाई में ट्रॉपिक्स के ऊपर जाते हैं, इसलिए इक्वेटर के ऊपर ट्रोपोस्फेयर की ऊंचाई ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू पोल्स। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रॉपिक्स का भी एग्जाम्पल डाल सकते हैं। तो हमने एग्जाम्पल चारों दिशाओं में डालना है, एक सीजनल वेरिएशन का डालना है, लैटिट्यूड
वेरिएशन का भी डालोगे आप, फिर आप डे एंड नाइट का डालोगे, डायनल डे एंड नाइट का। इसमें आप डालोगे कि दिन में इवेपरेशन ज्यादा होती है क्योंकि दिन में सूरज निकलता है, सेम कॉन्सेप्ट, गर्मी ज्यादा है, रात को इवेपरेशन कम होती है, ठीक है। तो ये तीन एग्जाम्पल आप इवेपरेशन के लिए डालिए कि सीजनल वेरिएशन, लेटिट्यूडनल वेरिएशन, डे एंड नाइट वेरिएशन। तो डिफरेंट फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं इवेपरेशन में, वन ऑफ देम इज टेम्परेचर। जो आप टेम्परेचर को लिखोगे तो इस तरह के एग्जाम्पल्स आप कोट करोगे। मैं आगे इसके ग्राफ एंड डायग्राम्स भी दिखाऊंगा कि आप अच्छे ग्राफ्स कैसे बनाएंगे जिससे मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। दूसरी बात, इवेपरेशन डिपेंड करेगी सरफेस एरिया पे। अब डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल देखिए, आप क्या करते हैं, जब आपको पानी ठंडा करना है तो आप ऐसे पतीले या ऐसे बर्तन में या कटोरी में जो चाय ठंडी करने का कॉन्सेप्ट है वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं। सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, इवोपरेशन ज्यादा होगी, ज्यादा भाप निकलेगी, ज्यादा भाप निकलेगी तो आपको पता है ये एनर्जी जो चाय के अंदर जो पानी है वो कन्वर्ट हो गए वेपर्स में निकल रहा है, जो आपको दृष्टिकोचक भी दिख भी रहा है। तो इस कन्वर्जन में हीट हीट चाय से एटमोसफेयर में चली जाएगी, इस तरह से हीट का ट्रांसफर होने की वजह से चाय ठंडी हो जाएगी। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं। तो आप इसमें लिखेंगे ज्यादा सरफेस एरिया में ज्यादा इवेपोरेशन होती है। ये मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया। आप एग्जामिनर को क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि समुद्र का एग्जाम्पल देंगे, पैसिफिक ओशन में इवेपोरेशन ज्यादा होती है क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है। तो ज्यादा सरफेस एरिया होगा, ज्यादा इवेपोरेशन। रिवर्स लेक में इवेपोरेशन कम होती है, क्यों, क्योंकि उनका सरफेस एरिया कम है। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया एक्सपोज होगा उतनी ज्यादा इवेपोरेशन के चांसेस होंगे। ऑलराइट, थर्ड फैक्टर, एवोपरेशन डिपेंड करती है ह्यूमिडिटी के ऊपर। ह्यूमिडिटी के कॉन्सेप्ट अभी हम डिटेल में करेंगे, थोड़ा बहुत आपको आइडिया है ही, मैं बता देता हूँ। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है वाटर वेपर को, एयर की क्षमता कि वो पानी को कितना होल्ड कर सकती है। तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी, अगर पहले से ही बहुत पानी मौजूद होगा तो एयर की उतनी क्षमता शायद ना हो कि वो पानी को संभाल के रख सके। तो ह्यूमिडिटी निर्भर कर, ह्यूमिडिटी डिसाइड करेगी कि और इवोपरेशन होगी या नहीं। एग्जाम्पल सुनो इसका, डे टू डे लाइफ का। आपको पता है मानसून के टाइम पे कपड़े नहीं सूखते, उस टाइम पे टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है, रोल है ह्यूमिडिटी का। तो मींस मानसून के टाइम पे कपड़े नहीं सूखने का मतलब है कि ऑलरेडी एयर के अंदर इतनी नमी है। आप एग्जाम्पल लीजिए स्वेटिंग का, आपकी मानसून में स्वेटिंग नहीं सूखती, ये स्वेट नहीं सूखता। रीजन इज क्योंकि उस टाइम पे एयर में नमी बहुत ज्यादा है, वो एक्स्ट्रा वाटर को एकोमोडेट नहीं कर सकती। ये एग्जाम्पल दिया मैंने आपको सीजनल वेरिएशन का। फिर एग्जाम्पल दो लेटिट्यूडनल वेरिएशन का, बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है, विद ग्राफ दिखाऊंगा कि इवोपरेशन, आपको लगता है इक्वेटर पे टेम्परेचर ज्यादा है लेकिन इक्वेटर पे इवोपरेशन ज्यादा नहीं होती क्योंकि इक्वेटर पे आपको पता है बारिशें ज्यादा है। तो इक्वेटर पे जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो बहुत अधिक है, क्योंकि वहां रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो मैक्सिमम इवोपरेशन इज ऑब्जर्व इन द ट्रॉपिक्स एरिया। सॉरी, ये ग्राफ थोड़ा सा गलत हो गया। मैक्सिमम एवोपरेशन इज ऑब्जर्व ओवर द ट्रॉपिक्स एरिया, इस तरह से एवोपरेशन का ग्राफ जाएगा। इफ दिस इज इक्वेटर, दीज विल बी ट्रॉपिक्स। तो ट्रॉपिक्स में एवोपरेशन ज्यादा है, कारण क्योंकि ट्रॉपिक्स में आपको पता है एंटीसाइक्लोनिक कंडीशन है, ड्राइनेस है एयर के अंदर, ड्राइनेस है तो वो ज्यादा पानी को एकोमोडेट कर सकती है। लेकिन इक्वेटर के ऊपर ऑलरेडी एयर में इतनी नमी है कि एयर और पानी को एकोमोडेट नहीं कर सकती, इसलिए रेट ऑफ एवोपरेशन इज लेसर ओवर द इक्वेटोरियल एरिया देन ओवर द ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स में भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल क्या कोट करोगे, ह्यूमिडिटी के दो प्रकार के, कि ह्यूमिडिटी एवोपरेशन को कैसे मॉनिटर करती है, कि अगर सीजन का एग्जाम्पल दोगे सर्दियों के अंदर एवोपरेशन ज्यादा होती है क्योंकि ह्यूमिडिटी वहां पे मानसून के अंदर एवोपरेशन कम होती है क्योंकि ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। दूसरी तरफ आपकी इक्वेटर पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवोपरेशन कम है, तो आप इसको लिखोगे ह्यूमिडिटी में भी पर्टिकुलरली रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर टेम्परेचर, ठीक है। तो इस तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर इवोपरेशन। तो इस तरह से आप बताओगे कि जब जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी इवोपरेशन घट जाएगी, ठीक है। इस इक्वेशन को रिवर्स कर देंगे, इवोपरेशन को इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम बताएंगे। ऑलराइट, तो इस तरह से हमने लाइव एग्जाम्पल देने हैं, पूरे वर्ल्ड के एग्जाम्पल देने। इसमें एक और एग्जाम्पल दोगे डे एंड नाइट का। डे एंड नाइट का एग्जाम्पल कैसे दोगे, ये सारे नोट्स में आप लिख लेना, और तो मैं बताऊंगा भी। डे एंड नाइट का एग्जाम्पल कैसे दोगे, आप बोलोगे रात के टाइम पे इवोपरेशन नहीं होती है, क्यों, एक तो मैंने टेम्परेचर बताया, दूसरा रात के टाइम पे हमेशा रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, जो आगे मैं ग्राफ्स भी आपको दिखाऊंगा। तो रात में क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा है, एयर ठंडी है, एयर की और क्षमता नहीं है पानी को एकोमोडेट करने की, इसलिए वो और इवोपरेशन को बढ़ावा नहीं देगी।
एग्जाम्पल है, दिन में कपड़े जल्दी सूखते हैं, रात को कपड़े नहीं सूख पाते हैं क्योंकि ऑलरेडी एयर काफी ठंडी है, वो वाटर को पिक ही नहीं करेगी कपड़ों से। ऑलराइट जी, चलिए नंबर फोर्थ, विंड स्पीड। विंड स्पीड को कैसे समझे? विंड स्पीड एवोपरेशन से बढ़ती है। एग्जाम्पल, आप जब भी चाय को पीते हैं तो आप फूंक मार के पीते हैं, क्यों? क्योंकि ज्यादा विंड होगी, जब आप एक टाइप से एयर को रिलीज कर रहे हैं, बार बार एयर को रेगुलेट कर रहे हैं। एग्जाम्पल लो, एक ओशन है जहां पे एयर स्थिर है, एक एयर मास बन गया, इस एयर मास की जितनी क्षमता थी इसने पानी को एकोमोडेट किया और ये वहीं पे स्टैग्नेंट है। अगर ये यहां से मूव करे और एक नया एयर मास आ जाए जो कि जिसके अंदर अभी स्कोप है वाटर के जाने का या उसकी ह्यूमिडिटी अभी कम है, तो फिर से ये एवोपरेशन को बढ़ावा देगा। इसी तरह से जब आप किसी भी चीज को ठंडा करते हो, आप फूंक मारते हो या पंखे के नीचे रखते हो, तो बेसिकली आप एयर को सर्कुलेट कर रहे हो। जितना ज्यादा एयर सर्कुलेट होगी उतनी ज्यादा इवोपरेशन होगी, और जितनी ज्यादा इवोपरेशन होगी उतना इजीली आपका कोई भी प्रोडक्ट जो है वो ठंडा हो जाएगा। ऑलराइट, तो विंड स्पीड बढ़ावा देती है। लाइव एग्जांपल, अब आप ये एग्जाम में तो लिख नहीं सकते, आपने इसको कैसे लिखना है? सदर्न सदर्न ओशंस में इवोपरेशन ज्यादा है, लिख लीजिए इस एग्जाम्पल को। इन द सदर्न हेमिस्फीयर द ओशंस ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस मोर इवोपरेशन बिकॉज ऑफ द फास्ट वेस्टर्लीज। क्योंकि आपको पता है सदर्न हेमिस्फीयर में वेस्टर्लीज का क्या नाम रखा हुआ है? रोरिंग 40s, फ्यूरियस 40s, रोरिंग 50s, है ना, एंड श्रीकिंग 60s। तो ये जो नाम लिखे गए हैं ये इसलिए है क्योंकि वेस्टर्लीज की जो वेलोसिटी है वो सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा है। ज्यादा वेलोसिटी से विंड चलेगी तो वो ज्यादा इवोपरेशन को बढ़ावा देगी। तो ये मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है, चार फैक्टर जो आपके वर्ल्ड के इवोपरेशन को डिटरमाइन करते हैं। तो एग्जाम्पल के साथ आपने लिखना है कि विंड वेलोसिटी भी डिटरमाइन करेगी कि इवोपरेशन कितनी होगी, तो आप इसमें सदर्न हेमिस्फीयर की वेस्टर्लीज का एग्जाम्पल लिखेंगे। तो ज्यादा वेलोसिटी से विंड चलेगी, ज्यादा तेजी से एयर मास सर्कुलेट होगा, तो ज्यादा इवोपरेशन होगी। ऑलराइट जी, और फैक्टर को देखते हैं। ये चार फैक्टर हम लोगों ने डिस्कस किए, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, वाटर अवेलेबल, बेसिकली ह्यूमिडिटी की बात कर रहा है, टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, विंड वेलोसिटी। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ एक्सपोर्टिंग एवोपोरेटिंग सरफेस, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। लास्ट इज सेलिनिटी ऑफ वाटर, आप सेलिनिटी ऑफ वाटर, अच्छा सॉरी एक पॉइंट रह गया, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर अवेलेबल, यहाँ सरफेस की बात नहीं हुई। मीन्स कि अगर इसका एग्जाम्पल कैसे लगोगे, अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल कि मीन्स ओशंस में क्योंकि पानी ज्यादा है, जो भी वाटर बॉडी है, सी है, रिवर है, लेक है, वहां पर एवोपरेशन ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू लैंड, क्योंकि लैंड में तो पानी ही नहीं है, तो जो एवोपरेशन लैंड से हो रही है वो कहां से हो रही है? सॉइल के मॉइस्चर से। ऑलराइट, तो इस तरह से जो सॉइल के मॉइस्चर में कितना ही पानी होगा सॉइल के अंदर, तो इसलिए जो एवोपरेशन है वो वाटर सरफेस पे ज्यादा होती है। एग्जांपल, जब मैं आपको कल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पढ़ाऊंगा और अभी उसकी एक छवि भी दिखाऊंगा, तो त्रिवार्था ने, आपने डेटा आपके एनसीईआरटी में भी लिखे हुए, त्रिवार्था ने एक डेटा दिया है, वो कहता है वर्ल्ड में जो एवोपरेशन है वो समुंदर से ज्यादा है। आपने ब्रॉड सी वाटर साइकिल में पड़ी हुई है कि अगर इफ दिस इज अ लैंड एंड दिस इज वाटर, तो हमने देखा था वाटर से इवोपरेशन ज्यादा है और लैंड पे बारिश ज्यादा है, क्योंकि बारिश कहां पे डिपेंड करेगी? बारिश डिपेंड करेगी कि जहां पे ज्यादा टेम्परेचर है, तो लैंड के ऊपर टेम्परेचर ज्यादा है, पानी को होल्ड करने की क्षमताएं ज्यादा है, तो बारिश भी वहीं पे ज्यादा होगी जहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। तो इस तरह से आप देखोगे लैंड और वाटर में डिफरेंशियल रेट ऑफ इवोपरेशन एंड प्रेसिपिटेशन है। आप लिख सकते हो वाटर के ऊपर इवोपरेशन ज्यादा है, प्रेसिपिटेशन कम है एज कंपेयर टू लैंड। तो राइट दिस स्टेटमेंट इन केवियट कि वाटर बॉडीज एक्सपीरियंस मोर इवोपरेशन देन लैंड एंड दे प्रेसिपिटेट एंड द प्रेसिपिटेशन इज मोर ओवर द लैंड देन वाटर। तो इस चीज को लिख लीजिए हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में विद डेटा देंगे। तो हम जब ऑप्शनल लेवल पे बातें करते हैं तो हम डेटा एंड ज्योग्राफर्स दोनों को कोट करेंगे, तो यहाँ पे हम त्रिवार्था को कोट करेंगे विद हिज डेटा। ऑलराइट जी, लास्ट पार्ट लिखो आप सेलिनिटी ऑफ वाटर। सेलिनिटी ऑफ वाटर इवोपरेशन को इम्पैक्ट करेगी। बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण है, अगर एक ये वाटर बॉडी है, यहाँ पे बीच बीच में नमक ज्यादा है, तो बेसिकली इवोपरेशन को रोकेगा वो, वहां पे पानी होता तो ज्यादा इवोपरेशन होती। तो क्योंकि नमक ज्यादा है, जितनी ज्यादा सेलिनिटी होगी उतनी इवोपरेशन कम होगी। तो सेलिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इवोपरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेलिनिटी। ज्यादा सेलिनिटी मीन्स कम इवोपरेशन। एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल दो वर्ल्ड के सॉल्टियस सीज का। रेड सी में एवोपरेशन कम है, डेड सी में एवोपरेशन कम है, क्योंकि यहाँ सेलिनिटी ज्यादा है। आप एक अब इसमें एग्जाम्पल दो लाइफ कि इंडिया के, क्योंकि हमने इतने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बना दिए हैं बड़ी बड़ी नदियों में, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना,
सब पे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बने हैं, जिसकी वजह से जिस रेट से बे ऑफ बंगाल में फ्रेश वाटर गिरता था, लाइव एग्जांपल सुनो इसको लिख लेना, जिस रेट से बे ऑफ बंगाल में फ्रेश वाटर गिरता था, अब उतना फ्रेश वाटर बे ऑफ बंगाल में नहीं जाता। क्यों जी? क्योंकि फ्रेश वाटर को हम रोक के कैनाल्स के द्वारा अलग अलग इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में डाल रहे हैं या हमने रिजर्वॉयर बनाए हैं। तो हमने वर्ल्ड की ग्लोबल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को डिस्टर्ब किया है। उसकी वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हाट वी हैव एक्सपीरियंस, द सेलिनिटी ऑफ बे ऑफ बंगाल हैज इंक्रीज्ड, क्योंकि फ्रेश वाटर नहीं आ रहा। सिंस द सेलिनिटी ऑफ द बे ऑफ बंगाल हैज इंक्रीज्ड, द मॉनसून विंड्स व्हिच आर द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मॉनसून विंड इज एक्सपीरियंसिंग लेस मॉइस्चर या इज कॉजिंग लेस इवेपोरेशन, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में अब बारिशें भी घट रही है। तो आप समझिए, आप ग्लोबल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसीलिए आज की तारीख में हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को बहुत बढ़ावा नहीं दिया जा रहा। अमेरिका हैज पंचर्ड मैनी ऑफ इट्स हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, क्योंकि इकोलॉजिकल कंस्ट्रेन भी है और इस तरह से आप नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर को एंड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को भी डिस्टर्ब करते हैं। ऑलराइट, सिमिलर इज द केस विद अरेबियन सी, क्योंकि वहां इंडस सबसे बड़ी गिरने वाली रिवर है अरेबियन सी में। अरेबियन सी के बाकी तरफ अगर आप देखोगे, हॉर्न ऑफ अफ्रीका या गल्फ रीजन जिसको हम वेस्ट एशिया बोलते हैं, ये ड्राई एरियाज हैं। यहाँ बड़ी नदियां अरेबियन सी में नहीं गिरती। सिंस बिग रिवर्स आर नॉट डिबाउंचिंग ऑन इन दी अरेबियन सी, तो इंडस मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर है। इंडस की भी ट्रिब्यूटरीज, चाहे चेनाब है, इंडस है, झेलम है या सतलज है, हमने सब में हाइड्रो प्रोजेक्ट बना के, तो पाकिस्तान ने इंडिया में पंजाब और हरियाणा में हमने कैनाल इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करी है। इंदिरा गांधी कैनाल भी बनाया है, जिसकी वजह से जिस रेट से फ्रेश वाटर अरेबियन सी में जाता था वो रेट कम हो गया है। उसकी वजह से अरेबियन सी की सैलिनिटी बढ़ रही है, क्योंकि ये बढ़ती हुई सैलिनिटी तो हमारे मॉनसून की दोनों ब्रांचेस, एक अरेबियन सी ब्रांच और दूसरी हमारी बे ऑफ बंगाल ब्रांच, इन दोनों ही ब्रांचेस पे इम्पैक्ट आ रहा है। और मॉनसून अब ज्यादा एवोपरेशन नहीं कर रहे जितने एवोपरेशन वो पहले किया करते थे। ऑलराइट जी, तो इस तरह से हमने लाइव एग्जाम्पल के द्वारा चीजों को समझाने का एक प्रयास करना है एग्जाम्पल। तो ये सारे पॉइंट हैं जो एवोपरेशन को डिटरमाइन करते हैं। तो जब आप एवोपरेशन एज अ कॉन्सेप्ट को बताओगे, तो इन सारे पॉइंट फैक्टर्स को बताओगे और इनके लाइव एग्जांपल दीजिए। जितने ज्यादा एग्जांपल कोट करोगे उतने अच्छे आप मार्क्स को गेन करोगे। ऑलराइट जी, चलिए अब इसमें जो डायग्राम्स हमारे जाएंगे, एक ही त्रिवार्था का डायग्राम जाएगा, आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, मैं नोट्स में भी डालूंगा। कि अगर आप देखेंगे कि ओशंस एवोपरेशन, ओशन से, अब वही वाला डायग्राम, इसको सिंप्लीफाइड कर देते हैं, अगर वाटर से जो एवोपरेशन है वो 413 यूनिट का है, लेकिन वाटर के ऊपर जो बारिश है, ओशंस में जो बारिश है, ये 373 यूनिट की है। तो आप देखोगे 40 यूनिट का डेफिसिट है। वहीं पे लैंड के ऊपर अगर आप देखोगे, तो लैंड पे जो इवोपरेशन है वाटर के कंपैरेटिवली कम है, तो लैंड पे जो इवोपरेशन है वो टोटल 73 यूनिट का है, लेकिन प्रेसिपिटेशन 113 यूनिट का है। तो यहाँ पे 40 सरप्लस आता है और यही नदियों, नालों, लेक की फॉर्मेट में दोबारा से समुद्र में मिलता है। इसी को हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोला जाता है, इस तरह से पानी का रेगुलेशन है। ऑलराइट, तो जो एवोपरेशन है वो ओशन से 413 यूनिट का है, ये लैंड के ऊपर जो है प्रेसिपिटेशन इसका 113 यूनिट का, बाकी ये ओशन के ऊपर 373 यूनिट का प्रेसिपिटेशन है। तो इस साइकिल को आप लोग याद रखिए, ये डेटा आपको कोट करने पड़ेंगे अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए कि इवोपरेशन ओशंस में ज्यादा है और लैंड के ऊपर कम है। दूसरा डायग्राम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इवोपरेशन को अगर आप लैटिट्यूडनली देखोगे, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी के केस में ये डायग्राम बनाओगे। देखो ये जो ब्लू वाला है, दिस इज द इवोपरेशन कर्व। सिंस आपको पता है इक्वेटर पे हम कह देंगे दुनिया का ज्यादा टेम्परेचर होता है, डोल्ड्रम भी होता है, लेकिन फिर भी यहाँ इवोपरेशन कम है एज कंपेयर टू ट्रॉपिक्स, क्योंकि ट्रॉपिक्स में आपको पता है एंटी साइक्लोनिक क्लियर स्काई है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है। तो अगर आप देखोगे इवोपरेशन भी यहाँ पे कम होगी, ज्यादा होगी। तो मैंने बताया था इवोपरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जैसे कि इक्वेटर पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा है, इवोपरेशन कम होगी। मोर ओवर अगर आप देखोगे पोल्स वाले एरिया में, वहां पे क्योंकि एयर ठंडी है, -10 डिग्री सेल्सियस एयर का टेम्परेचर है, तो उसमें अगर एक बूंद पानी भी है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी के अकॉर्डिंग एयर के अंदर पानी बहुत ज्यादा है, क्योंकि -10, -20, -30 में एयर की क्षमता ही नहीं है पानी को होल्ड करने की, तो उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑलमोस्ट 100% है। तो वहां पर भी एवोपरेशन प्रमोट नहीं होती। इसलिए आप देखोगे इक्वेटर से जैसे जैसे दूर जाओगे आपका एवोपरेशन घटता है, क्योंकि आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती है।
तो आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी का ग्राफ भी बना सकते हो, जो आगे मैं दिखाऊंगा अभी आपको ह्यूमिडिटी पढ़ाते वक्त, कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन लैटिट्यूड। आप लिख सकते हो रिलेटिव ह्यूमिडिटी के दो ग्राफ होते हैं, दो पैटर्न है जो आगे दिखाएंगे भी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन लैटिट्यूड एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल इंक्रीज इन नाइट, विल इंक्रीजेज इन नाइट। तो क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी टेम्परेचर के साथ डिपेंडेंट है, तो टेम्परेचर घटेगा, इस ग्राफ को और आगे लिखाएंगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी घटेगी। ऑलराइट, रात में टेम्परेचर घटेगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। तो ये पूरा आपका ग्राफ बन के आता है। तो आपने जब ऑप्शनल लेवल पे है तो आपने इस तरह की इक्वेशंस को यूज करना है। ऑलराइट, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी रात को बढ़ेगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी पोल्स पे बढ़ेगी, टेम्परेचर से रिलेशन है, रात का टेम्परेचर कम है, पोल्स में भी टेम्परेचर कम है। इस लेक्चर को चाहे दो बार सुन लेना, इक्वेशंस को पढ़ लेना, आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा, सिंपल है कॉन्सेप्ट्स। चलिए जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अबाउट ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को हम डिफाइन करते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। सिंपल, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर ऑन द बेसिस ऑफ, कि अब ये अमाउंट को हम डिफाइन कैसे करें, इट हैज बीन डिस्क्राइब इन थ्री फॉर्मेट, एब्सोल्यूट, स्पेसिफिक एंड रिलेटिव। स्पेसिफिक और एब्सोल्यूट रिलेटिव काफी ज्यादा इस्तेमाल में आने वाली टर्म्स हैं, एब्सोल्यूट हम ज्यादा यूज नहीं करते। एब्सोल्यूट यूनिट ह्यूमिडिटी का मतलब है कितने ग्राम पानी है कितने वॉल्यूम ऑफ वाटर में, इस चीज को ध्यान रखें, क्यों नहीं यूज में करते। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट पर किलोग्राम ऑफ एयर। एब्सोल्यूट को कहते हैं इट इज पर ग्राम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। तो दोनों की यूनिट में डिफरेंस है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम से फर्क क्या पड़ता है, क्यों यूज में नहीं करते। अगर आपको पता है एयर विद टेम्परेचर एक्सपेंड हो जाती है, तो सेम अमाउंट ऑफ वाटर, मान लो एयर में 10 ग्राम पानी था और इतनी सी एयर में ये 10 ग्राम पानी था, अब टेम्परेचर बढ़ गया तो ये वाटर एक्सपेंड कर गया, तो एब्सोल्यूट यूनिट की, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की यूनिट चेंज हो जाएगी, लेकिन उसमें पानी उतना ही था, तो आपको कभी भी रियल टाइम पिक्चर नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें पता है एयर का वॉल्यूम घटता बढ़ता रहता है, तो रियल पिक्चर चाहिए कि कितना ग्राम पानी है। तो बेसिकली चाहे दिन और रात हो, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एग्जैक्ट होती है कि कितना ग्राम पानी एक किलोग्राम एयर में है। ऑलराइट, तो ये आपको रियल पिक्चर देता है। इसलिए जब भी हमें देखना हो कि क्लाउड बर्स्ट, याद रखो वेदर फोरकास्ट में क्लाउड बर्स्ट होगा या नहीं होगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कितनी है। अगर हमें लगेगा यार शिमला के ऊपर 13 ग्राम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आई है, जो बहुत ज्यादा है, नॉर्मली 7 से 8 ग्राम आई है, इसका मतलब जब भी कंडेंसेशन होगी और बारिश होगी पानी ज्यादा बरसेगा। ग्लोबल वार्मिंग के साथ कनेक्शन समझिए, आप ग्लोबल वार्मिंग के साथ आपने चीजों को कनेक्ट करना है क्लाइमेट चेंज के साथ। आप लिखोगे विद द इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्रीज बिकॉज इवोपरेशन रेट विल इंक्रीज। अब देखिए इस चीज को, टेम्परेचर के साथ इवोपरेशन लिंक है, मींस इवोपरेशन बढ़ेगी अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, इवोपरेशन बढ़ेगी तो आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी बढ़ेगी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो प्रेसिपिटेशन बढ़ेगी। इस फ्लो चार्ट को बना लीजिए, प्रेसिपिटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इवोपरेशन, इवोपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो ज्यादा टेम्परेचर मींस ज्यादा बारिश है, इसलिए जब हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग होगी तो आपके क्लाउड बर्स्ट ज्यादा होंगे, साथ में इवोपरेशन ज्यादा हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो आपका ड्यू पॉइंट कंडेंसेशन जल्दी नहीं होगा, तो वाटर की एटमॉस्फेयर में एयर की एटमॉस्फेयर में वाटर को होल्ड करने की क्षमताएं बढ़ रही है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया तो वो तब तक पानी को इकट्ठा करेगा तब तक बरस नहीं जाए। एग्जाम्पल, अभी लेट सपोज हमारा एवरेज टेम्परेचर मान लेते हैं 30 डिग्री सेल्सियस, ग्लोबल वार्मिंग के बाद ही 35 डिग्री सेल्सियस हो गया, 30 डिग्री सेल्सियस में एयर की जो क्षमता है वो 20 ग्राम पानी को होल्ड करने के, 35 डिग्री में ये 25 ग्राम हो गई, तो मींस अब पानी ज्यादा होल्ड किया जा रहा है, ज्यादा होल्ड किया जा रहा है, मींस जब भी बारिश होगी तो ये जो पानी है ये बरसेगा। पहले जब बारिश होगी तो 20 ग्राम पानी ने जमीन पे गिरना था, मोर ओवर 20 ग्राम होते ही पानी बरस जाना था, यहां 25 ग्राम होने तक का वेट करना था। इसका एक और उदाहरण क्या है, जब बारिश होगी तो बहुत ज्यादा होगी, नहीं होगी तो लंबे समय तक पानी एक्यूमुलेट होता रहेगा, तो मींस इवेंट लिख लो, इवेंट ऑफ फ्लड एंड ड्राउट्स विल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन ग्लोबल वार्मिंग। तो उसके पीछे साइंस ये है,
तो आपने इसको इस पूरे तरीके से ग्लोबल वार्मिंग को समझा है, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग इज अ बिगर कॉन्सेप्ट, बिग कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसमें कई सारी टेक्निकल एस्पेक्ट है कि क्यों बारिशें ज्यादा होंगी। हम लिख देते हैं कि बारिश ज्यादा होगी, क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, इवोपरेशन बढ़ेगी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो बारिशें भी ज्यादा होंगी। मोर ओवर आपका ड्यू पॉइंट भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से लगातार इवोपरेशन कहीं लंबे समय तक चलेगी, तो जिससे ड्राउट लाइक कंडीशन होनी थी, जो बारिश 10 दिन के बाद होनी थी वो 15 दिन के बाद होगी, तो उसकी वजह से ड्राउट रेट भी बढ़ जाएगा। तो आप लिख सकते हो विद द इंक्रीज इन ग्लोबल वार्मिंग इवोपरेशन, विद द इंक्रीज इन ग्लोबल वार्मिंग द कंडीशंस लाइक फ्लड एंड ड्राउट विल इंक्रीज। ऑलराइट, तो इस तरह से हमने टेक्निकल एस्पेक्ट पे बात करनी है, इन सारे टॉपिक को ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज के साथ भी रिलेट करना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अबाउट रिलेटिव, इनके सबके ग्राफ्स भी दिखाऊंगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। एक बार स्पेसिफिक के ग्राफ्स देख लेते हैं फिर रिलेटिव पे मूव करेंगे। देखिए ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का एक ग्राफ है जो आपके नोट्स में भी आपको मिलेगा और आपने ये अच्छे से देखना भी है, आपके एनसीईआरटी में भी बना है, आपके सविंद्र में भी बने होंगे। तो आप देखिए इसमें दिखा है कि ये जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है ये टेम्परेचर के साथ कोरिलेट किया हुआ है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ रही है। 30 डिग्री में 26 ग्राम पानी आ रहा है, अगर 20 डिग्री सेल्सियस में देखेंगे तो 15 ग्राम पानी है, अगर -10 में देखेंगे तो 2 ग्राम। अब ये ग्राफ डिफाइन कर रहा है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, मैंने क्या बोला था ह्यूमिडिटी को कोरिलेट करना है डे एंड नाइट से, ह्यूमिडिटी को कोरिलेट करना है आपने लैटिट्यूड से, ह्यूमिडिटी को कोरिलेट करना है आपने सीजन से अपने, ठीक है। इंडिया के एग्जांपल दो, वर्ल्ड के दे, डे एंड नाइट। आप लिखोगे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रात को घट जाती है, क्यों, क्योंकि रात को एवोपरेशन नहीं हो पाती, टेम्परेचर घट जाता है तो स्पेसिफिक वाटर को होल्ड करने की क्षमताएं भी घट जाती है। ऑलराइट, लैटिट्यूड वाइज आपको पता है कि टेम्परेचर वाइज, क्योंकि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ऑल्सो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवोपरेशन, तो रात को क्योंकि टेम्परेचर घट गया तो एवोपरेशन भी नहीं होगी तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी नहीं होगी, तो दिन में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आपकी कम होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। और ऊपर से स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी दिन में ज्यादा है, तो आप लिखोगे इन डे द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी विल बी हायर देन द नाइट। ऑलराइट, दूसरा क्योंकि एवोपरेशन ज्यादा है, लैटिट्यूड वाइज लैटिट्यूड में आप लिखोगे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आपकी इक्वेटर पे ज्यादा होगी क्योंकि वाटर को एवोपरेट करने की क्षमता ज्यादा होगी। ऑलराइट, फिर आप सीजनल वेरिएशन बताओगे, विंटर्स और समर्स में क्या वेरिएशन है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के, वो सारे वेरिएशन आप बताओगे। ऑलराइट, इस तरह से आप चीजों को कोट कीजिए, ध्यान है जी। फिर आप स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लिखोगे ओशंस और लैंड के, अलग अलग है, ओशंस के ऊपर अगर एयर का टेम्परेचर ज्यादा नहीं है तो वहां स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डिफरेंट होगी, तो ये वेरिएशन के साथ हमने बताना है। ग्राफ देखिए स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का लैटिट्यूड वाइज, मैंने बताया था स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी विल बी मैक्सिमम ओवर द इक्वेटर एंड ट्रॉपिक्स, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, फिर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आपके डिक्रीज करना शुरू होती है पोल्स के साथ में, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर इज लेस, इधर टेम्परेचर इज मोर, तो टेम्परेचर से रिलेटेशन है, टेम्परेचर इज मोर, इवेपरेशन विल बी मोर, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी विल बी मोर, ऐसे करके लिख लीजिए, यहाँ टेम्परेचर विल बी लेस, इवेपरेशन विल बी लेस, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी विल बी लेस, सिंपल, ठीक है। तो इस तरह से आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे ऑप्शनल में, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्लियर है। अब आते हैं कॉन्सेप्ट रिलेटिव ह्यूमिडिटी के ऊपर। रिलेटिव का मतलब होता है इट्स नॉट एब्सोल्यूट, रिलेटिव मींस किसी के संदर्भ में। इसको कैसे नापा जाता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फंडा है कि एक एयर, मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस एयर का टेम्परेचर है, 30 डिग्री टेम्परेचर में एयर कितने पानी को संभाल सकती थी, मान लो 30 डिग्री में, एक 30 डिग्री हमने मान लिया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है 30 डिग्री सेल्सियस, एयर की क्षमता है 30 ग्राम पानी को रखने की, लेकिन एयर ने अभी पानी रखा हुआ है 15 ग्राम, मतलब ये भी 15 और एकोमोडेट कर सकती है, तो इसका अगर ग्राफ निकालेंगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल बी 50%, मींस एयर अपनी क्षमता से 50% पानी को लेके बैठी है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस है बारिश कब होने वाली है। स्पेसिफिक का देखो, लिख लो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी विल टेल द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, व्हाइल रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल एक्सप्लेन द टाइम ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो ये दोनों ही यूज किए जाते हैं वेदर फॉरकास्टिंग में सैटेलाइट द्वारा, क्योंकि सैटेलाइट के पास आपके सारे डेटा है, एयर का टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, यही तो आपकी रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है कि इसके द्वारा सैटेलाइट सारे मैपिंग बना के आपको देगा। ऑलराइट, तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है कि टाइम ऑफ द प्रेसिपिटेशन, जैसे जब आप अखबार उठाओ वहां पे सीजन के साथ साथ रिलेटिव ह्यूमिडिटी दी होती है, तो जो वेदर फॉरकास्ट है कि क्लाउडी स्काई के बाद बारिश होगी या नहीं होगी, ये भी तब पता चलेगा जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी नियरली 100% है। ऑलराइट, तो यहां से फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे शिफ्ट करेंगे कंडेंसेशन के ऊपर।
रिलेटिव ह्यूमिडिटी के फिर से ग्राफ देखेंगे। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी का डे एंड नाइट में सिग्निफिकेंस, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का लैटिट्यूड वाइज सिग्निफिकेंस, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का सीजन वाइज सिग्निफिकेंस देखिए। ठीक है, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये एक्सप्लिसिटली किसी भी किताब में ऐसे नहीं दिया होगा जैसे मैं बता रहा हूँ। कई सारी किताबें पढ़ने के बाद मैंने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया कि इन तीनों के फॉर्मेट में अगर आंसर को लिखा जाए और लाइव एग्जाम्पल दिए जाए तो बहुत अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, डे एंड नाइट में देखो। अब आपको पता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, अब इस चीज को देखिए क्यों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे 30 का 20 डिग्री होगा, पानी अभी 15 ग्राम ही है एयर में। ठीक है, रात हो गई, दिन में 30 डिग्री टेम्परेचर था, रात को टेम्परेचर 20 डिग्री था, 20 डिग्री में एयर की क्षमता थी 20 ग्राम को पानी रखने की। अब आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी का डेटा देखिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई आपकी 75%। मींस रात को नमी ज्यादा महसूस होती है, मॉइस्चर। सिंपल एग्जांपल मैंने आपको कार का भी दिया था कि कार के अंदर जब आप बैठ के ड्राइव कर रहे होते हो और सर्दियों की रात है, आपने शीशे बंद किए हैं, तो आप देखोगे आपके शीशों पे भाप जमने लगेगी, कंडेंसेशन होगी। क्यों? क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ गई थी, रात को टेम्परेचर कम हुआ, अब एयर वाटर को होल्ड ही नहीं कर पा रही। तो जहां जहां ठंडा सरफेस मिला, शीशे सबसे ज्यादा ठंडे होते हैं क्योंकि बाहर से ठंडी हवा लगती है शीशे पे। ठीक है, तो वहां ठंडक होगी, वहां पे वाटर आपका कंडेंस होना शुरू हो जाएगा। ऑलराइट, तो लाइव एग्जांपल। अब इसका एक और एग्जांपल कि रात को ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी टेम्परेचर के साथ डिपेंडेंट है, रात को रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमेशा बनेगी। दूसरा, क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है तो पोल्स पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमेशा ज्यादा है, या आप जैसे जैसे हायर ऑल्टीट्यूड पे भी जाओगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमेशा बढ़ेगी। आप इसको ऑल्टीट्यूड के साथ भी कनेक्ट कीजिए। देन जी, थर्ड इज योर सीजन। सीजन में रिलेटिव ह्यूमिडिटी का आपको पता है मॉनसून के अंदर रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल बी वेरी वेरी हाई एज कम्पेयर टू विंटर्स एंड समर्स। समर्स में रिलेटिव ह्यूमिडिटी सबसे कम है, ऑल्दो इवेपोरेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन जितना टेम्परेचर है उसके हिसाब से मॉइस्चर कुछ भी नहीं है एयर के अंदर। इसलिए आप देखोगे लू जैसे कंडीशन, आप एग्जाम्पल डालोगे लू के। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे प्योर ड्राइनेस है, एयर मॉइस्चर ऑल टाइम लो है। ठीक है, विंटर्स में रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तभी विंटर्स में कपड़े भी नहीं सूख रहे, दूसरा एयर का भी टेम्परेचर कम है, एयर होल्ड ही नहीं कर पा रही। तो सब कुछ टेम्परेचर से रिलेटेड है, टेम्परेचर से ही स्पेसिफिक, टेम्परेचर से ही रिलेटिव। ठीक है, तो ये जो तीनों वेरिएशन भी आ रहे हैं ये बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर ही हो रहे हैं, क्योंकि दिन और रात का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, सर्दियों और गर्मियों में टेम्परेचर चेंज हो रहा है, पोल्स एंड इक्वेटर का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो सब कुछ टेम्परेचर डिपेंडेंट है। इसलिए जो ह्यूमिडिटी एज एन कॉन्सेप्ट है ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, क्योंकि टेम्परेचर पे इवोपरेशन डिपेंडेंट है। तो इस कॉन्सेप्ट को हमेशा समझिए कि एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर, टेम्परेचर होगा तो इवोपरेशन, इवोपरेशन होगी तो ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी होगी तो कंडेंसेशन। तो ये कनेक्टिंग टॉपिक इसीलिए निकल के आते हैं सामने। ठीक है, इसीलिए जब आपको क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाया जाता है तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के फैक्टर्स, ये सब डिटेल में पढ़ाए जाते हैं। ऑलराइट जी, चलिए कुछ एक ग्राफ्स देख लेते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी के, समझने के लिए आसानी रहेगी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 0% का मतलब है पानी की एक बूंद भी ना होना। ऑलराइट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50% मींस एयर में 50% पानी है, 50% स्पेस है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ रही, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% मींस आपका बेसिकली ड्यू पॉइंट रीच हो गया, जो हम कंडेंसेशन में पढ़ेंगे, और आपका अब पानी कंडेंस हो गया है। कंडेंस मींस अब ये वेपर से, अब ये सब कुछ वेपर के फॉर्मेट में, आपका पानी वेपर से अब वाटर में कन्वर्ट होने के लिए तैयार हो गया। यहाँ कंडेंसेशन मींस क्लाउड फॉर्मेशन, स्मॉग, मिस्ट, ठीक है, ये सारे फिनोमिनास आ जाएंगे। ये देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अब देखिए पानी, कोल्ड वाटर की पानी को होल्ड करने की क्षमता ये है, वार्म एयर की पानी को होल्ड करने की क्षमता ज्यादा है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। ये मान लो 30 डिग्री सेल्सियस का ग्राफ है, ये मान लो 15 डिग्री सेल्सियस का ग्राफ है। अब सेम अगर यहाँ पे पानी अगर रख दिया जाए तो 100% ह्यूमिडिटी हो जाएगी, इतना ही पानी इस एयर में रखा जाए तो उसके लिए 50% है। ऑलराइट, तो मींस सेम पानी कोल्ड एयर में रिलेटिव ह्यूमिडिटी को 100 कर देगा, सेम पानी वार्म एयर के उसका मास कुछ भी नहीं है वार्म एयर, तो ये वहां पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है। तो हमेशा रिलेटिव ह्यूमिडिटी की डेरिवेशन को याद रखिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के फॉर्मूले को याद रखिए, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डन जी, देखिए फिर से ये वाटर वेपर का साइज है, 10 डिग्री सेल्सियस में 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जो कि आप ग्राफ में देख पा रहे हैं मेरे समक्ष। दूसरा, सेम वाटर वेपर, अमाउंट नहीं चेंज हुआ वाटर वेपर का, लेकिन 20 डिग्री में वाटर एयर एक्सपेंड कर गई, वो ज्यादा पानी को एकोमोडेट कर सकती है, लेकिन पानी आज भी उतना है। उसकी स्पेसिफिक सेम है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इन तीनों में सेम है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी मैंने आपको क्या बताया था कि वाटर एग्जैक्टली कितना प्रेजेंट है वो स्पेसिफिक बताएगी, एग्जैक्ट अमाउंट बताएगी, रिलेटिव अमाउंट नहीं बताएगी, ये टाइम ऑफ प्रेसिपिटेशन बताएगी।
तो ये कहेगी 20 डिग्री सेल्सियस में वाटर होल्डिंग इतना ही है, 50% के अराउंड आ गया। सेम अगर वाटर 30 डिग्री पे गया, एयर 30 डिग्री पे गई, तो इसने ज्यादा पानी को एक्युमुलेट कर लेना चाहिए था, लेकिन पानी तो उतना ही है, तो यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसके 30% के अराउंड। तो आप देखे हुए जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज कर रही है, इसलिए मैंने बोला था रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर टेम्परेचर। तो दिन की ह्यूमिडिटी हमेशा कम होगी, रात की ह्यूमिडिटी हमेशा ज्यादा होगी, क्योंकि दिन में टेम्परेचर ज्यादा है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अब सीजन वाइज मैंने एक डेरिवेशन ली, हॉट समर में रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50% है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर कोल्ड के अंदर 90% आ जाता है, क्यों? टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर कम है मीन्स रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा है, यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है। इन पॉइंटर्स को याद रखिए, इनको लिख लीजिए ताकि आप बाद में इनको पढ़े तो एकदम आपको एग्जामिनेशन के लिए याद रहे। देखिए एक GIF देखिए किस तरह से रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी बढ़ती हुई आपको दिखेगी, क्योंकि घटती हुई दिखेगी क्योंकि एयर टेम्परेचर घट रहा है। देखिए वाटर पर गया, क्यों? एवोपरेशन हो रही है, ठीक है, ज्यादा एवोपरेशन ज्यादा ह्यूमिडिटी। डन जी, अब ह्यूमिडिटी का एक ग्राफ जो कि टेम्परेचर के साथ डिपेंडेंट है ये आप बनाएंगे। देखिए ये डे एंड नाइट के हिसाब से दे रखा है, ये लैटिट्यूडनल भी ट्रू हो सकता है। ह्यूमिडिटी इस ग्राफ को रीड करना, देखिए ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, ये टेम्परेचर है। मैंने क्या बोला था, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर टेम्परेचर। तो रात के टाइम पे, सुबह के टाइम देखो 6 बजे टेम्परेचर इज लेस, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मोर। सुबह नमी ज्यादा होती है तभी आपकी जो इस टाइम पे ड्यू फॉर्मेशन इसी टाइम पे होगा, जो आप कहते हो गाड़ियों के ऊपर ओस गिर गई है या घास के ऊपर ओस है, वो सुबह के टाइम पे होती है या रात के टाइम पे जब एकदम ह्यूमिडिटी ऑल टाइम हाई हो जाती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, क्योंकि टेम्परेचर डिप हो जाता है। सर्दियों में क्यों होती है ड्यू? सर्दियों में इसलिए बनती है क्योंकि सर्दियों में वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी एयर की खत्म हो जाती है, तो जो एक्सेस वाटर है वो वहीं पे ही गिरा देती है। ऑलराइट, अब देखिए दिन का टाइम, देखिए दिन के टाइम पे क्योंकि टेम्परेचर हाई हो गया तो ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी घट गई। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, दिन और रात की ये देखिए, और इन दोनों को आप रिलेट करके अच्छे से स्टडी करो, आपको समझ आएगा कौन सा। डन जी, ये आपके पेपर के लिए ग्राफ है। अच्छा जी, अब लैटिट्यूडनल रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपको पता है कि इक्वेटर पे ज्यादा है, क्योंकि इक्वेटर पे ज्यादा है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो मींस रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इवोपरेशन, इवोपरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव ह्यूमिडिटी, क्योंकि इक्वेटर पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा नमी है एयर के अंदर, तो वहां पे एक इवोपरेशन घट जाती है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर आप ट्रॉपिक्स में देखोगे यहाँ एयर ड्राई है, यहाँ पे एयर आप देखोगे मॉइस्ट है इक्वेटर पे, ये लिख सकते हैं, और धीरे धीरे ये मॉइस्ट एयर बढ़ जाएगी पोल्स में, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर की वजह से, ठीक है, तो टेम्परेचर यहाँ पे घट रहा है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज हाई बिकॉज टेम्परेचर इज लो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज हाई बिकॉज टेम्परेचर इज लो, यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज हाई, क्यों? क्योंकि आपका टेम्परेचर इज, सॉरी रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज लो क्योंकि टेम्परेचर इज हाई, तो इस तरह से चलेंगे, इन दोनों में डिफरेंट रेट आएगा। डैनी जी, इन ग्राफ्स को ध्यान से स्टडी करना है। ये देखिए अब एक एग्जांपल लेते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में कंपैरेटिव व्यू। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी सिंपल फंडा था, एयर में कितना पानी होल्ड है, इक्वेटर पे हमेशा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हाईएस्ट होगी क्योंकि इक्वेटर पे टेम्परेचर ज्यादा है और वहां इवोपरेशन भी ज्यादा है, इवोपरेशन ज्यादा तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो इवोपरेशन इज हाईएस्ट हियर। अब ये धीरे धीरे आप देखोगे इवोपरेशन या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी घटने शुरू हो गई है, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर घट गया, एयर ज्यादा वाटर को होल्ड ही नहीं करती है। रिवर्स देखो, यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी और यहाँ पे देखो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक बार डिक्रीज करती है ट्रॉपिक्स में जाते जाते, क्यों? क्योंकि वहां पे ड्राइनेस है, एयर की ज्यादा वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी तो है लेकिन वाटर ही नहीं है वहां पे, तो इस तरह से आपके रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज होती है इक्वेटर टू ट्रॉपिक्स, फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। ऑलराइट, तो दोनों के ग्राफ्स को अच्छे से स्टडी कंपैरेटिव व्यू के साथ करना। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के कॉन्सेप्ट को समझिए। जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी इतनी बढ़ गई कि अब एयर पानी को रख ही नहीं सकती, तो वो क्या करेगी, वाटर को ड्रॉप करेगी। जब भी वाटर को ड्रॉप होगी तो कंडेंसेशन होने की दो प्राइम रिक्वायरमेंट है, एक है कि अभी आगे वाली बताऊंगा, एक है सबसे पहले या तो आपको सरफेस मिल जाए कहीं पे, तो कंडेंसेशन मैंने बताया जैसे
कार के शीशों के ऊपर कंडेंसेशन होगा, कार की बॉडी के ऊपर, क्योंकि वहां पे क्या ठंडक है, वहां से ठंडी हवा लग रही, टेम्परेचर डिप है। दूसरी बात, ये कंडेंसेशन होने के लिए अगर एयर में होना है तो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई चाहिए, कोई एक प्रकार का सरफेस है, एक प्रकार का सरफेस है जो कि फ्लोटिंग इन द एटमॉस्फेयर है। क्योंकि ये फ्लोटिंग इन द एटमॉस्फेयर है तो इस सरफेस, ये एक छोटा सा बेसिकली सरफेस है, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, मैंने पहले भी बताया था, कुछ भी हो सकता है, ये एक सॉल्ट का पार्टिकल हो सकता है, ये एक एरोसोल हो सकता है, ये एक प्रकार का फ्लाई ऐश हो सकता है, ठीक है, ये वॉल्केनो से निकला हुआ ऐश हो सकता है, तो कुछ भी एरोसोल हो सकता है, या ये कई बार अगर आप देखोगे तो ड्राई डस्ट भी होती है, या सैंड भी रोल प्ले करती है इन ड्राई डेजर्ट। तो ये सारे अलग अलग एरोसोल के पार्ट्स हैं। तो ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, इनके ऊपर पानी कंडेंस हो जाता है, जब इनके ऊपर पानी कंडेंस होता है यही इन फ्यूचर प्रेसिपिटेट होगा। एग्जाम्पल, प्रेसिपिटेशन में जैसे हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट है आजकल कि क्लाउड सीडिंग हम बोलते हैं, क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग का मतलब है कि हमने देखा यार रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो 100% है, फिर बारिश क्यों नहीं हो रही, क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बाद बारिश होने के लिए भी या तो सरफेस चाहिए या हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई चाहिए। तो अगर एटमॉस्फेयर बहुत ही क्लीन है, बहुत ही क्लीन है, तो आपका हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई मिसिंग है, क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई मिसिंग है तो ये कंडेंसेशन और क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगी, क्लाउड नहीं होंगे तो प्रेसिपिटेशन नहीं हो पाएगी। इसलिए हम बाहर से इंजेक्ट करते हैं क्लाउड सीडिंग के द्वारा, कई सारे कंपाउंड है, सिल्वर आयोडाइड भी है, जिंक भी है, तो इनको इंड्यूस किया जाता है एटमॉस्फेयर में ताकि इनके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स कन्वर्ट हो पाए, या वाटर वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो पाए, कंडेंसेशन प्रोसेस हो पाए, क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बाहर से इंजेक्ट करने का एक प्रयास होता है। ऑलराइट, तो कंडेंसेशन के कॉन्सेप्ट को समझो कि सरफेस चाहिए, चाहे वो जमीन मिल जाए या एटमॉस्फेयर में कोई फ्लोटिंग पार्टिकल मिल जाए। ऑलराइट, दूसरी बात कंडेंसेशन के लिए क्या चाहिए कि आपको एक तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी मींस एयर में वाटर इतना होना चाहिए, जिसको हम वर्ड बोलते हैं एयर मस्ट बी सैचुरेटेड विद वाटर, इसको लिख लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर, मींस कि इफ द एयर इज सैचुरेटेड विद वाटर मींस कंडेंसेशन हो जाएगी। दूसरा, ये जो सैचुरेशन है ये टेम्परेचर पे निर्भर करेगा कि कंडेंसेशन जमीन पे होगी कि 10 किलोमीटर की ऊंचाई पे होगी, डिफरेंस क्या आ रहा है टेम्परेचर का, जमीन में टेम्परेचर ज्यादा है तो कंडेंसेशन नहीं होगी, टेम्परेचर ऊपर बहुत कम है तो वहां पे क्लाउड बनेंगे। अगर अब देखो विंटर्स और समर्स का एग्जाम्पल समझो, क्लाउड अगर धरती से 10 किलोमीटर की ऊंचाई में पड़ रहे हैं तो फर्क क्या पड़ा, यहाँ टेम्परेचर इज लो, लेकिन सर्दियों के अंदर आप ड्यू देखते हो, गर्मियों में नहीं देखते क्योंकि सर्दियों में टेम्परेचर इज वेरी लो ओवर द सर्फेस ओनली, या सर्दियों में ही फॉग और स्मॉग देखते हो, या गर्मियों के अंदर शिमला में आपको फॉग मिल रहा है और चंडीगढ़ में नहीं मिल रहा, रीजन इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कंडेंसेशन को बढ़ावा देता है, लो टेम्परेचर विल कॉज कंडेंसेशन, तो मींस हायर एटमॉस्फेयर में बस टेम्परेचर का डिफरेंस है जो बादलों को बनाता है। अगर यही बादल जमीन पे टेम्परेचर उतना ही मिल जाए जितना 10 किलोमीटर की ऊंचाई पे, तो बादल जमीन पे बनेंगे, इसलिए पहाड़ी इलाकों में बोला जाता है बादलों पे चल रहे, दैट इज बिकॉज ऑफ द फॉग और मिस्ट, जो हमेशा पहाड़ी इलाके में रहती है, फॉग नहीं होती, पहाड़ों में मोस्टली मिस्ट होती है, मिस्ट और फॉग में डिफरेंस अभी मैं बता देता हूँ। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन में आप देखिए एक फॉर्मेट है फॉग, फॉग का मतलब है व्हेन वाटर वेपर कंडेंसेस इन द एटमॉस्फेयर एट द लोअर ऑल्टीट्यूड, इट इज लोअर ऑल्टीट्यूड। अगर चंडीगढ़ में आपको फॉग मिल रही है सर्दियों में तो आपका लोअर ऑल्टीट्यूड में क्लाउड फॉर्मेशन हो गया, क्लाउड आर नथिंग बट द वाटर ड्रॉपलेट्स, आप लिख सकते हो क्लाउड आर लिक्विड और सॉलिड इन देयर कैरेक्टर, क्योंकि वो आइस पार्टिकल से बनेंगे या वाटर से बनेंगे, नॉट वाटर वेपर, मीन्स क्लाउड्स आर द रिजल्ट ऑफ कंडेंसेशन, जब वाटर वेपर पानी में कन्वर्ट हो गया, लेकिन वो पानी के ड्रॉपलेट्स अभी इतनी छोटी है कि बरस नहीं रही है तो हवा में ही फ्लोटेड है, तो क्लाउड आर द एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लोटिंग वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एटमॉस्फेयर। यही क्लाउड अगर आपको जमीन के पास में मिल गया क्योंकि टेम्परेचर कम था सर्दियों में, तो इसको आप फॉग बोलोगे। फॉग और मिस्ट में फर्क समझो, मिस्ट है कि आपको 1 किलोमीटर से बाहर दिख रहा है, तो आपको मिस्ट है कि जो फॉग है वो ज्यादा डेंस नहीं है, तो मिस्ट इज बेसिकली लेस डेंस फॉग, इतना ही फर्क है। तो पहाड़ों में देखोगे आप फॉग बहुत अधिक नहीं होती, मिस्ट होता है, कोहरा जिसको बोलते हैं, उसके आर पार दिखता है, दूर तक इजिली दिख जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि फ्लोट कर रहा है वाटर वेपर या बादल। ऑलराइट, फॉग थोड़ा सा डेंस हो जाता है, ये अर्बन एरियाज का फिनोमिना है फॉग। दूसरी बात स्मॉग को समझिए, अगर अर्बन एरियाज में पॉल्यूशन है
तो ये स्मॉग में कन्वर्ट होगा। एग्जाम्पल लिखोगे यहाँ पे स्मॉग, क्योंकि एक डिटेल टॉपिक है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है क्लाइमेट का, इसको मैं डिटेल में कराऊंगा। तो इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे दिल्ली स्मॉग के, इसमें एग्जाम्पल लेंगे हम टोक्यो के, जहां जहां पे ये स्मॉग कहाँ पे होता है। एग्जाम्पल लिख लो, ये सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट एरियाज में होता है, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज ड्यूरिंग विंटर्स व्हेन टेम्परेचर इज लो, वहां पे स्मॉग होता है। कि फॉग बना लेकिन वहां पे पहले ही पोल्यूशन इतना था तो स्मॉग। स्मॉग लंदन का स्मॉग डिफरेंट था, न्यूयॉर्क का स्मॉग डिफरेंट है, या लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क में तब भी नहीं है क्योंकि नियर वाटर बॉडी है, तो लॉस एंजलिस में ज्यादा, कैलिफोर्निया में है ज्यादा स्मॉग बनने की कंडीशन है क्योंकि व्हीकुलर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। ऑलराइट, सिमिलर इज द केस विद टोक्यो या चाइनीज की सिटी सिटी बीजिंग, इन सारे सिटीज में भी अब आपको स्मॉग देखने को मिलता है क्योंकि डेवलपिंग नेशंस में पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, व्हीकल एमिशन बढ़ रहा है। तो मोस्ट ऑफ द टेम्परेट एरियाज ऑफ द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस आर एक्सपीरियंसिंग स्मॉग दीज डेज। तो एक टाइप का एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, हेल्थ हैजार्ड है, जैसे आप दिल्ली के केस में देखते हो बिकॉज ऑफ द स्टबल बर्निंग, यहाँ पे स्मॉग होता है। आईएएस में, यूपीएससी में कुछ साल पहले एक सवाल आया कि ये जो स्मॉग है ये दिल्ली में क्यों दिख रहा है, मुंबई में भी दिख सकता है, कोलकाता में भी दिख सकता है, या बेंगलुरु में भी दिख सकता है, इन तीनों में, बाकी जो सिटी, या चेन्नई में दिख सकता है, इन तीनों सिटीज में, अगर बॉम्बे लें, चेन्नई लें, कोलकाता लें, इन तीनों में जो कॉमन है वो है समुद्री इलाका, क्योंकि कोस्टल एरियाज में आपको पता है लैंड और सी ब्रीज लगातार चलती है जिसकी वजह से एयर सर्कुलेट होती है, क्योंकि एयर सर्कुलेट होती है तो एक जगह पे पॉल्यूशन टिक नहीं पाता, लगातार घूमता रहता है। दूसरी केस, दिल्ली एक कॉन्टिनेंटल एरिया में है, बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्टिनेंटैलिटी यहाँ पे एयर सर्कुलेशन विंटर्स में वैसे ही कम हो जाता है, क्योंकि आपको पता है सर्दियों में यहाँ पे क्या चलती है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, बिकॉज ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द प्लेन्स ऑफ गंगेटिक, वी कुड सी एयर कुड नॉट राइज अपवर्ड, सिंस एयर कुड नॉट राइज अपवर्ड दिस सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम विल एक्ट एज अ लिड एंड इट विल नॉट अलाउ एयर फ्रॉम बॉटम टू गो अप, तो मिक्सिंग नहीं होने देगा, क्योंकि मिक्सिंग नहीं होने देगा तो सारा पॉल्यूशन, एक तो यहाँ पे ठंडा इतना कि फॉग बन गया, सारा पॉल्यूशन एक ही जगह पे स्टिल एयर की तरह रह जाएगा, जिसकी वजह से पूरा नॉर्थ इंडिया में स्मॉग लाइक सिचुएशन, चाहे चंडीगढ़ हो चाहे दिल्ली हो, ये जो नॉर्थ का एरिया है बिकॉज ऑफ दिस स्टेबल बर्निंग आपने इतने सारे एरोसोल पार्टिकल इंड्यूस कर दिया, वो कहीं जा नहीं पा रहे, तो यू विल एक्सपीरियंस स्मॉग लाइक सिचुएशन। ऑलराइट, तो ये एक स्मॉग का कॉन्सेप्ट है जिसको और डिटेल में भी हम लोग पढ़ेंगे। क्लाउड को ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि क्लाउड के हमारे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या हमारे ल्यूक हॉवर्ड क्लासिफिकेशन दोनों करेंगे। ड्यू और फ्रॉस्ट को सुन लो, ये जो तीनों है, फॉग, स्मॉग, मिस्ट और क्लाउड, अगर एयर पार्टिकल, अगर वाटर वेपर फ्लोटिंग एयर में ही, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियर में ही कंडेंस हो गया तो इस तरह के फिनोमिना देखने को मिलेंगे कि वाटर ड्रॉपलेट आर फ्लोटिंग इन द एटमॉस्फेयर। तो ये चार एग्जाम्पल, फॉग, स्मॉग, मिस्ट एंड क्लाउड आर द एग्जाम्पल ऑफ एयर वॉटर ड्रॉपलेट्स आर फ्लोटिंग इन द एटमॉस्फेयर। रेस्ट ऑफ द टू एग्जाम्पल, ड्यू एंड फ्रॉस्ट आर द एग्जाम्पल, अगर सरफेस मिल गया, अगर गाड़ी मिल गई, अगर कार मिल गई, जमीन मिल गई, ग्रास की ब्लेड मिल गई, तो उसके ऊपर आप देखोगे ड्यू फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि, और सर्दियों में क्यों हुआ, क्योंकि टेम्परेचर ऑफ द एयर इन विंटर्स इज फार लेसर देन द समर्स, टेम्परेचर इज लो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल इंक्रीज एंड इट विल प्रमोट कंडेंसेशन, सिंस इट विल प्रमोट कंडेंसेशन, तो जो पानी की ड्रॉपलेट हवा में तैरनी थी वो जमीन पे ही, वहीं पे ही नीचे आ गई है, तो एक टाइप का कंडेंसेशन है ड्यू। अगर टेम्परेचर इतना कम था कि रेदर देन पानी बनता सीधा बन गई आइस, तो आप देखोगे फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट इज द फिनोमिना ऑफ इन टेम्परेट लैटिट्यूड, आपने पढ़ा है टेम्परेचर इन्वर्जन, इन टेम्परेट लैटिट्यूड यू विल ऑब्जर्व, अगर वैली इन्वर्जन जिसको हमने बोलते हैं, वर्ड लिख लीजिए वैली इन्वर्जन, इन टेम्परेट लैटिट्यूड एल्प्स के पहाड़ या हमारे रॉकीज के पहाड़ या इंडीज के पहाड़ या हिमालयन जगहों पे, वैली में लोग नहीं रहते बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉस्ट, हाई ऑल्टीट्यूड में वैली में नहीं रहा जाता, रात के समय में फ्रॉस्ट जम जाती है क्योंकि टेम्परेचर इतना कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे वैली ब्रीज उस टाइम पे चलते, माउंटेन ब्रीज चलती है और ये नीचे सेटल डाउन हो जाती है, क्योंकि ये सेटल डाउन हो जाती है तो यहाँ पे बहुत ठंडा हो जाता है, टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाता है, फ्रॉस्ट जम जाती है, यहाँ पे एग्रीकल्चर भी प्रमोट नहीं किया जाता, एग्रीकल्चर इज कंडक्टेड इन द स्लोप एरियाज ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड। ऑलराइट, तो कंडेंसेशन इज द प्रोसेस, तो फ्रॉस्ट और ड्यू एक दूसरे के साथ कोरिलेट कर जाते हैं। डन जी, तो दीज आर द वेरियस फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन,
चांस है, हो सकता है 20 नंबर में आ जाए, तो यू शुड हैव द राइट कंटेंट टू राइट इन 20 मार्क्स, ये इसका सबका कंटेंट मैं दूंगा। आपने एग्जाम्पल जरूर डाले, एग्जाम्पल ग्लोबल भी होंगे, हिमाचल के भी होंगे, इंडिया के भी होंगे। आप एक चीज का बार बार याद रखिए जो मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे अगर आप एग्जाम्पल कोट करोगे। सोशियोलॉजी में भी अच्छे मार्क्स मिलते हैं अगर आप जो थिंकर्स हैं उनके अंदर उनमें सोशियोलॉजी इंडिया की डालते हो या इंडिया के एग्जाम्पल्स डालते हो। सिमिलरली विद द केस ऑफ ज्योग्राफी, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं अगर आप एग्जाम्पल हिमाचल के लिख रहे हो, एग्जाम्पल इंडिया के लिख रहे हो, एग्जाम्पल ग्लोबल लिख रहे हो, ताकि आपका एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज दिख रहा है। अदरवाइज ये जो नॉलेज है वो बड़ी बेयर है, रॉ है, कि आप उसको प्रैक्टिकलिटी में उतार नहीं पा रहे हो ज्योग्राफी में, ठीक है। तो ज्योग्राफी को अगर डे टू डे लाइफ से कनेक्ट नहीं करोगे तो एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा। तो आपने एग्जाम्पल को अपना पर्सनलाइज बना लेना है, हो सकता है अपने सिटी का दे दो, आप जिस जगह पे रह रहे हो वहां के एग्जाम्पल कोट करना शुरू कर दो, सो दैट एग्जामिनर कुड गेट अ फेयर आइडिया कि इस व्यक्ति की ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है और ये कॉन्सेप्ट को रिलेट कर पाता है अपने आसपास के एनवायरमेंट के साथ। डन है जी। तो कंडेंसेशन को आप इस तरह से समझिए। लास्ट में क्लाउड्स को एक बार देख लेते हैं। क्लाउड्स 20 नंबर में आ नहीं सकता, मैक्सिमम 5 नंबर में आ सकता है। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन जो हाई ऑल्टीट्यूड पे ही होता है। ऑलराइट, अब इस क्लाउड को ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप एक ब्रिटिश क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे ल्यूक हॉवर्ड, उन्होंने कुछ लैटिन के वर्ड्स में इनके कुछ नाम दिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। ये कहते हैं जी क्लाउड्स ना 3 प्रकार के होते हैं उनकी शक्ल के हिसाब से। एक होता है जी सीरस, एक होता है जी स्ट्रेटस, थर्ड होता है जी क्यूमुलस। उनसे पूछा इन तीनों में फर्क क्या है, उन्होंने डायग्राम दिखाया, उन्होंने कहा जी ये रहा स्ट्रेटस क्लाउड। स्ट्रेटस का मतलब होता है लेयर्स में, ये देखो लेयर्स में क्लाउड है, ठीक है। अगर आप कभी भी जेट से जाओगे जो नीचे आपको क्लाउड दिखेंगे दैट इज स्ट्रेटस क्लाउड, ये देखिए। तो बहुत टाइम ऐसे क्लाउड दिखते हैं। अब इनका रिलेशन देखो, ये सर्दियों में दिख सकते हैं, विंटर्स में, वो भी कब, जब वार्म फ्रंट आता है आपका। अभी अब नोटिस करना, जब जब आपके वार्म फ्रंट्स आना शुरू होंगे सर्दियों के टाइम पे, आपको इस तरह से क्लाउड फॉर्मेशन दिखेगा। सेकंड पार्ट देखिए, इसने बोला सीरियस क्लाउड। सीरियस क्लाउड जनरली आपको नहीं दिखेंगे, बहुत ही रेयर दिखेंगे, बड़े ऊंचे होते हैं ये, कई हजार मीटर ऊंचे होते हैं, बहुत हाई ऑल्टीट्यूड, 10 किलोमीटर 9 किलोमीटर की ऊंचाई पे होते हैं सीरियस क्लाउड। फेदर लाइक, ये कहता है अगर क्लाउड फेदर लाइक हो तो वो सीरियस है। देखिए फेदर लाइक क्लाउड इस तरह से दिखते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड क्लाउड होते हैं। ये भी कब दिखेंगे, वार्म फ्रंट के टाइम पे ही दिखते हैं हाई ऑल्टीट्यूड। थर्ड नेचर ऑफ क्लाउड इज अ क्यूमुलस, ये कई सीजन में दिखते हैं, ये गर्मियों में जब आपकी कन्वेक्शनल रेनफॉल होने वाली थी, इसको प्री मानसून शार बोलते हैं, तब हो सकते हैं ये आपके इसी में, अगर काले हो जाए नीचे की तरफ में तो मानसून के टाइम पे भी क्यूमुलस क्लाउड दिखते हैं। जब आपका कोल्ड फ्रंट बन जाता है तो भी आपके बनते हैं। क्यूमुलस क्लाउड आर दी हीप ऑफ कॉटन, इसको बोला जाता है हीप ऑफ कॉटन रखा हो इस प्रकार से लगता है। इनकी बहुत हाई वर्टिकल डेवलपमेंट होती है, अगर आप देखोगे तो नीचे से लेके इनके बेस से लेके ऊंचाई, दिस इज द बेस ऑफ द क्लाउड, और इनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है तो हाई वर्टिकल डेवलपमेंट होती है। तो इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप 3 प्रकार के लैटिन वर्ड दिए, स्ट्रेटस, क्यूमुलस एंड सीरस। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब क्लाउड के बारे में और नॉलेज बढ़ी, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी बनी, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने क्लाउड एटलस निकाली। जैसे जो भी आपके क्लाउड साइंटिस्ट हैं जो वेदर फॉरकास्टिंग करें, जैसे हिमाचल के अंदर कल्पा में है, शिमला में है, इन लोगों के पास एक क्लाउड एटलस रखी होती है। तो इंटरनेशनल एटलस ऑफ क्लाउड है, इन्होंने बोला और बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ हाइट एंड शेप, इन्होंने 2 प्रकार से डिवाइड कर दिया और इन्होंने बोला 3 ऊंचाइयों पे क्लाउड के अलग अलग नाम दे दिए। इन्होंने कहा एक है लो लाइंग क्लाउड, एक है मीडियम हाइट क्लाउड, एक है हाई क्लाउड। कहते 3 प्रकार के क्लाउड होते हैं, ये आपके नोट्स में गिवन है, अंदर डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, इन्हीं नामों के साथ हेर फेर करी है। इन्होंने कहा ये इन्हीं नामों के कॉम्बिनेशन से बनाए हैं, 3 नाम है इन्हीं के कॉम्बिनेशन, बस मीडियम के अंदर इन्होंने जो वर्ड यूज कर लिया है, इन्होंने मीडियम क्लाउड को बोला है ऑल्टो क्लाउड, ये 2 प्रकार के होते हैं। तो टोटल इन्होंने 10 प्रकार के क्लाउड्स के नाम बताए ऑन द बेसिस ऑफ हाइट एंड शेप। इन्होंने कहा लो क्लाउड के नाम क्या है, इन्होंने बोला क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है, क्यूमुलस क्लाउड है, ये लो क्लाउड के नाम बोले, स्ट्रेटस क्यूमुलस क्लाउड है। ऑलराइट, तो इस तरह से नाम दिए। तो ये नामों को एक बार देख लेते हैं और इनके डायग्राम को एक बार देख लेते हैं। देखिए इन्होंने बोला जो सबसे लो लाइंग क्लाउड है, जिनसे एग्जैक्टली रेनफॉल आपको एक्सपीरियंस होती है, इससे ऊपर वाले बारिश जब भी होगी ना, वो रेनफॉल या वाटर ड्रॉपलेट हवा में ही इवोपरेट हो जाएगी, आप तक तो पहुंचेगी ही नहीं। आप तक वो रेनफॉल पहुंचती है जो लो लाइंग क्लाउड है। आप समझिए वाटर ड्रॉपलेट बहुत छोटा होता है, अगर वो इतनी ऊंचाई 5 किलोमीटर की ऊंचाई से गिरेगा तो वो वाटर में ही इवोपरेट हो जाएगा। ऑलराइट, तो अगर वो नीचे तक आना है तो उसने एक बार लो लाइंग क्लाउड से ही बारिश होनी है।
तो आप देखिए इनके नॉमनक्लेचर को देखते हैं। देखिए ये है क्यूमुलो निम्बस क्लाउड जिसका वर्टिकल डेवलपमेंट बहुत हाई है, इसका बेस नीचे से शुरू होता है ऊपर तक जाता है, जब टॉर्नेडोज बढ़ताए थे तो भी ये दिखाया था। ऑलराइट, फिर क्यूमुलस क्लाउड, ये हीप ऑफ कॉटन जो अभी हमने डायग्राम देखा, निम्बस स्ट्रेटस क्लाउड, स्ट्रेटो क्यूमुलस क्लाउड, स्ट्रेटस क्लाउड, ये तीनों पांच प्रकार के क्लाउड हैं। ये आपको लो लाइंग क्लाउड है, दो प्रकार के क्लाउड, ऑल्टो स्ट्रेटस लेयर्स में है, ऑल्टो क्यूमुलस, दो ही प्रकार आ जाते हैं। ये देखिए सीरस क्लाउड, मैंने बोला था हाई राइज क्लाउड है, सीरस क्यूमुलस बहुत ऊंचाई है, एक्यूमुलेट हो गया वाटर, क्यों? क्योंकि कंडेंसेशन बहुत हाइट था, अगेन वार्म फ्रंट के केस में बनेगा सीरस स्ट्रेटस। ऑलराइट, कि लेयर्स में है ना, और फेदर लाइक लेयर्स है, बहुत ऊंचाई पे देखिएगा आपको प्लेन से ये वाले क्लाउड एक्सपीरियंस। ऑलराइट, इक्वेटर पे जाओगे तो सीरो क्यूमुलस एक्सपीरियंस होंगे, टेम्परेट एरियाज में जाओगे और प्लेन से ट्रेवल करें तो सीरस एंड सीरस स्ट्रेटस क्लाउड देखेंगे। ऑलराइट, तो नेचर ऑफ द क्लाउड विल गेट चेंज। ऑलराइट, तो इस तरह से हमने जो है कंडेंसेशन को समझना है। तो हमने आज तीन टॉपिक कवर किए, हमने इवोपरेशन को डिटेल में देखा, इवोपरेशन से रिलेटेड, हमने ह्यूमिडिटी को डिटेल में देखा, ह्यूमिडिटी से कंडेंसेशन तक पहुंचे। नेक्स्ट क्लास में मैं टॉपिक आपको दिखा देता हूं, ये तीन टॉपिक हमने आज कवर किए हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक जो हमने कवर करना है, टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो क्योंकि कंडेंसेशन से प्रेसिपिटेशन है, प्रेसिपिटेशन मींस बारिश हो रही है कि स्नोफॉल हो रहा है कि हेल स्टॉर्म हो रहा है कि स्लीट हो रहा है, ठीक है? तो यह राइम है, ये पांच प्रकार के नेचर ऑफ प्रेसिपिटेशन है, दे विल वेरी एज पर द सीजन, दे विल वेरी एज पर द लैटिट्यूड एंड लोकलाइज्ड कंडीशन, ऑरोग्राफी के केस में बदल जाएगा, जैसे क्लाउड बर्स्ट हो जाता है पहाड़ों में, ठीक है? तो वो यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी डालेंगे। वर्ल्ड पैटर्न ऑफ रेनफॉल, ये भी बताएंगे कि दुनिया में अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल है, ये समझ आ गया तो आपको कोपन की क्लासिफिकेशन समझने में कठिनाई नहीं होगी। तो इसी के साथ हम कोपन को भी कोरिलेट कर लेंगे। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, येट अनदर टेक्निकल कॉन्सेप्ट, डेटा ड्रिवन है, इसको डिटेल में फिर करेंगे, जाने जी। तो ये टॉपिक करेंगे, कोपन साथ में ही एक्यूमुलेट करेंगे, फिर लास्ट में जब मिसलेनियस करेंगे तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पकड़ लेंगे, और इसी के साथ साथ हम लोगों ने जो मैंने बोला था टेम्परेचर इन्वर्जन एंड एटमोस्फेरिक इनस्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, ये एक साथ ही कवर कर लेंगे। ऑलराइट, चलो इधर ही क्लास को डन करते हैं, आप लोग अपनी सत्येंद्र सिंह पढ़िए, रेस्ट ऑफ द नोट्स आई विल प्रोवाइड।